हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडीज टुडे। तो आज की वीडियो में हम लोग 2021 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं, जो कि क्लास 10th और क्लास 12th के लिए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपडेट नंबर 1 इज़ होम सेंटर्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल होने वाले क्लास 10th और 12th के लिए सीबीएसई द्वारा अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स अलॉट किए जाते थे, लेकिन कोविड-19 के चलते ये डिसाइड किया गया कि 2021 में होने वाले एग्ज़ाम स्टूडेंट्स अपने स्कूल में ही दे सकेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ही आएगा और आंसर शीट भी सीबीएसई बोर्ड की निगरानी में ही चेक होगी। अपडेट नंबर 2 इज क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंजेस। 2021 में होने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पेपर्स के पैटर्न में बहुत से चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि क्लास 10th और क्लास 12th के सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो एग्जाम के टाइम पर क्वेश्चन पेपर्स में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अपडेट नंबर 3 इज बोर्ड एग्जाम्स विल बी लेट। दोस्तों, अभी हाल ही में सीबीएसई के नोटिफिकेशन में बताया गया था कि 2021 के क्लास 10th और 12th के एग्जाम 15 फरवरी से स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 2021 में होने वाले बोर्ड एग्जाम्स मार्च के लास्ट वीक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने की संभावना है। एग्जाम्स की एग्जैक्ट डेट आते ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे, इसलिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो लगातार अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहें, और अगर फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट studiestoday.com पर विजिट कर सकते हैं। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारी वेबसाइट पर आपको एनसीईआरटी बुक्स, उनके सॉल्यूशंस, प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स मिल जाएंगे, साथ में सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं, जो आप पीडीएफ फॉर्म में फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट इज पासिंग क्राइटेरिया चेंज्ड फॉर क्लास 12th। ये चेंजेस सिर्फ क्लास 12th के लिए हैं। इसमें क्लास 12th के लिए पासिंग क्राइटेरिया को चेंज किया गया है। पहले जब कोई बच्चा इंग्लिश या हिंदी में फेल होता था तभी एडिशनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इंक्लूड करके उसको पास कर दिया जाता था, लेकिन अब कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, भले ही वो मेन सब्जेक्ट हो, तो भी एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़कर उसे पास कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। बढ़ते हैं अपडेट नंबर 5 की तरफ, जो है क्वेश्चन पेपर्स लेवल विल बी इजी। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छी खबर है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि इस बार के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को बहुत इजी रखा जाएगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बच्चों की पढ़ाई में बहुत लॉस हुआ है। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि 2021 के एग्ज़ाम्स का डिफ़िकल्टी लेवल इजी रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की एजुकेशन न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारी वेबसाइट विजिट करें फ्री स्टडी मटेरियल के लिए। Thanks for watching.